आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के दूसरे दिन रायबरेली में सीएम योगी पर व्यक्तिगत निशाना साधा। यात्रा के दूसरे पड़ाव पर ऊंचा हार में उन्होंने कहा कि योगी ने शहरों का नाम बदला है, पुलिस के 100 नंबर को 112 कर दिया, हम यहां उनका नाम बदल रहे हैं, अब से उनका नाम अनुपयोगी बिस्ट है। अखिलेश यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गीता में कहा गया है कि जो दूसरों का दुख अपना सुख दुख समझे वह योगी है। गुरु नानक ने कहा जो माया के बीच रहकर माया से दूर रहे वह योगी है, लेकिन यह पहले ऐसे योगी हैं जो योगवाद से सीधे कुर्सी पर पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के विभिन्न नेताओं के घर इनकम टैक्स ने रेड डाली है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी राहुल भसीन, जैनेन्द्र यादव, नीटू यादव, राजीव रॉय के ठिकानों पर छापेमारी लखनऊ समेत अन्य ठिकानों पर की गई है। बता दें कि समाजवादी नेताओं के घर इनकम टैक्स की बड़े छापेमारी आज सुबह से चल रही है। आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ, मैनपुरी, आगरा में छापेमार कार्रवाई की। मऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रवक्ता राजीव रॉय के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा, तो वहीं आगरा में मनोज यादव और लखनऊ में जैनेन्द्र यादव, नीटू समेत कई लोगों के घरों पर आईटी टीम ने रेड मारी। आईटी टीम अधिकारी तमाम बैंक डिटेल समेत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी खंगाल रही है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। इसमें अखिलेश ने कहा है कि अभी इनकम टैक्स आया है, फिर ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेताओं के ऊपर आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ज्ञानेंद्र उर्फ नीटू यादव के घर, जो अखिलेश के निजी सचिव हुआ करते थे। आपको बता दें कि 8:30 बजे से ठीक इसी घर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जाँच कर रही है और फाइलों को देख रही है, और देखना ये होगा जाँच के बाद आता क्या है। वहीं इस मुद्दे पर अखिलेश का एक ट्वीट आ रहा है, और ट्वीट ये है कि अभी तो चुनाव में महज कुछ महीने बाकी हैं, तो अब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे सीबीआई भी, ईडी भी इस चुनाव में आएगी। कैमरामैन नीरज के साथ विभांशु, प्राइम टीवी। वहीं अलीगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर अब मांग तेज हो गई है। जहां पहले शिक्षक संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं अब सफाई कर्मचारी संघ की ओर से भी धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखकर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि जल्द उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो उनकी ओर से बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। इन्होंने अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए ज्ञापन दिया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित है। तो इनके जो ज्ञापन है वो माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से भिजवाया जाएगा। आज उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले पूरे प्रदेश में हर मुख्यालय पर समस्त सफाई कर्मचारियों ने, जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, पंचायती राज विभाग के अधीन कार्यरत हैं, उन सब भाइयों ने आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को अपने खून से एक पत्र लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जब सत्ता में नहीं थे 5 साल पहले, तो आपने वादा किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आसीन होगी तो मैं इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करूँगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़े दुख का विषय है कि अब चुनाव सर पर है और अभी तक आपने 5 साल में किसी भी कर्मचारी साथी की पुरानी पेंशन व्यवस्था की, जो लगभग पूरे देश की मांग है, उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों की मांग है, आपने अभी तक बहाल नहीं की। वहीं बुलंदशहर में गंगा एक्सप्रेसवे का लाइव प्रसारण दिखाई दिया है। आपको बता दें कि राजीव बाबू पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखने जनप्रतिनिधि पहुंचे। डीएम, एसएसपी ने भी बैठकर प्रसारण लाइव देखा।
प्रतिनिधियों के साथ आमजनों ने भी लाइव प्रसारण देखा है। लाइव प्रसारण में पीएम मोदी ने कहा कि यूपी को बहुत बड़ी सौगात मिली है और इससे अब प्रदेश में विकास की लहर देखने को मिलेगी। हम लोग सभी सौभाग्यशाली हैं कि मेरठ से प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शाहजहांपुर जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ आज इसका शिलान्यास किया है। हमारे बुलंदशहर जनपद से भी होकर के गुजरेगा, हमारे जनपद के सयाना तहसील के 8 गांव उससे जुड़ रहे हैं। और चूँकि एक्सप्रेसवे हमारे जनपद से गुजरेगा और हमारा जनपद NCR का जनपद है, तो यहाँ के लोग जिनको लखनऊ जाना है, प्रयागराज जाना है, बनारस जाना है या अन्य जगहों को जाना है, उनकी सुगमता हो जाएगी और उनका जो समय है वो बचेगा। इसके अलावा जब एक्सप्रेसवे बनता है तो अन्य तरीके के भी विकास होते हैं, रोज़गार भी आते हैं, फैक्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रीज आती हैं, तो हमारे लिए और हमारे जनपद वासियों के लिए आज बहुत ही हर्ष का दिन है। वहीं गोरखपुर में मामूली विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई, जिसमें पुलिस के हाथ में बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने मृतक के दो दोस्तों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त किए गए सामान को भी बरामद कर लिया है। पुलिस लाइन में व्हाइट हाउस में पुलिस अधीक्षक नगर ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही घटना में इस्तेमाल खून से सना ईंट पुलिस ने बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को पुलिस ने फिलहाल जेल भेज दिया है। आयकर विभाग की रेड पर RCL के मालिक मनोज यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं क्यों और कैसे ये बात हो रही है और हम से बेहतर ये बात पब्लिक समझ रही है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन एक तरफा कार्यवाही हो रही है वो एक अलग बात है। कोई चोरी डकैती नहीं की गई, जो ये प्रक्रिया करवा रहे हैं उन्हें ये बात समझने की जरूरत है। आजकल पूरा हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं क्यों होता है, कैसे होता है। तो ये आप स्वीकार कर रहे हैं कि ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं अक्सर करके जिनकी सत्ता होती है वो इस तरीके से कार्रवाइयाँ करवाते हैं लोगों को दबाते हैं। हमसे बेहतर पब्लिक आज समझ चुकी है सभी बातें कि कैसे कहाँ क्या हो रहा है, और इसमें हमें ज्यादा बोलने की कोई खास जरूरत नहीं। कई और लोगों के खिलाफ जो आज जांच हो रही है उन लोगों की तबीयत भी खराब हुई और मामले बढ़ भी गए, लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपने समर्थक, आपके से समर्थक हैं वो लोग समर्थन में अपने लोगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामे कर रहे हैं। नहीं, हम तो कहेंगे ये सरकारी प्रक्रिया है, क्योंकि एक तरफा हो रही है वो अलग बात है, लेकिन ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आराम से सभी लोग रहें और जो चीज़ें हैं वहाँ पर कोई ऐसी कोई चोरी डकैती नहीं की गई है। मथुरा के बलदेव रोड स्थित मदन मोहन कलावती सर्राफ सरस्वती विद्या मंदिर में स्वराज अमृत महोत्सव संपन्न हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवताचार्य मनोज मोहन शास्त्री और नागेंद्र महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ है। शास्त्री जी ने विद्यार्थियों को अमृत महोत्सव का उद्देश्य बताते हुए सभी को देशभक्ति से ओतप्रोत होकर गुरुजनों के मार्गदर्शन में शैक्षिक उत्थान हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं पर नागेंद्र महाराज ने छात्रों को स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का संकल्प भी दिलाया। वहीं मऊ में अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग को लेकर आंदोलनरत गौंड समाज के प्रदर्शन को धार देने का उन्होंने मन बना लिया है। सदर तहसील में डेरा डाले गोंड समाज के 29वें दिन सोमवार को चक्का जाम की तारीख का ऐलान किया गया। 17 दिसंबर तक प्रशासन ने प्रमाण पत्र जारी नहीं किया तो 18 को चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था। गोंड महासभा के जिला महामंत्री केदारनाथ गोंड एडवोकेट ने कहा कि 18 दिसंबर को चक्का जाम होगा, बिना जाति प्रमाण पत्र के लिए यहां से जाना मुश्किल है। आज सिटी मजिस्ट्रेट यहाँ आए थे तो उनसे वार्ता हुई है, प्रतिनिधिमंडल वहाँ मिला है, तहसीलदार थे, CEO थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब भी थे, सारे बिंदुओं पर वार्ता हुई है और तहसीलदार ने समय लिया है कि हमको एक सप्ताह का समय दीजिए
और मैं 27 तारीख को जो सही है प्रमाण पत्र जारी करके तहसीलदार ने आपसे समय लिया है एक हफ्ते का, लेकिन युवा काफ़ी आक्रोशित दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? युवा आक्रोशित है, सही बात है कि उन्होंने काफ़ी 34 दिनों से झेला है कि हो जाए, लेकिन एक किसी भी चीज़ की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत उसने लिया है, तो हमारा ये मानना है कि उसको समय देना चाहिए, उसके बाद फिर हम आगे करना होगा। वहीं सीतापुर के तहसील महमूदा ब्लॉक में ब्लॉक पहला के ग्राम पंचायत सिरौली के सिरौली पुरवा गांव में अचानक एक दीवार गिर गई। अचानक दीवार गिरने से दो लोग मलबे में दब गए। आनंद फानंद में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं ग्रामीणों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया था। सभी लोगों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में इलाज जारी है। विनोद कुमार जो आपके पीछे दीवार गिरी है, ये कुछ जानकारी है कैसे क्या हुआ? जानकारी रात पता नहीं कितना गिर गया दीवार है या और दोनों जन दबे पड़े रहे के तरह। कौन कौन दब गया था? अमेरिका प्रसाद उनका पोता, तो हम खोद खोद निकाले तो चिल्लाई रहा, तो गांव के सब दौड़े तो उनके घर का बुलावे गए रहा, चिटौने में यहाँ गया है, बुला के बाद आए तो उनके चौराहे पर उनके दवा ववा कराने हैं और उनके दर्द काफ़ी हो रही है। अच्छा, लगभग कितने बजे गिरी थी दीवार? ये लमसम गिरी है 12:20 पर। 12:20 पर, हाँ, तो दो लोग दब गए थे इसके। अरे बहुत चोटा के दबे पड़े रहा है। रेल लाइन दोहरीकरण के कार्य का निरीक्षण करने के लिए हाजीपुर रेलवे मुख्यालय के जीएम अनुपम शर्मा समेत अन्य अधिकारी तकरीबन 12 बजे सोनभद्र के शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से सिंगरौली रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जीएम के आने की सूचना पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को मिलते ही चिल्का टांड ग्राम प्रधान समेत काफी संख्या में लोग शक्तिनगर रेलवे स्टेशन पहुंचे और चिल्का टांड गांव में आवागमन के लिए रास्ते को लेकर ओवरब्रिज की मांग समेत त्रिवेणी इंटरसिटी व पैसेंजर ट्रेन चलवाने की मांग की गई। जानकारी दी गई कि एनटीपीसी की विस्थापित बस्ती चिल्का टांड जाने के लिए मुख्य मार्ग नहीं है और रेलवे की तरफ से ओवरब्रिज बना दिया जाए तो ग्रामीणों को इससे राहत मिलेगी। साथ ही योजना का तमाम कर्मियों को दिल्ली लखनऊ वाराणसी आगमन के लिए काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर पुणे रेल जो है सुचारू रूप से संभव हो पाए तो उससे भी लोगों को काफी राहत मिलेगी। पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप लोगों ने समय निकाला। अभी माननीय डीएम साहब से हुई, हमने उनसे कहा कि चिल्का डांड मूल विस्थापित गांव है और पहले गांव आया इसके बाद रेलवे आई, अब रेलवे जो है ट्रैक बनाने के माध्यम से गांव के रास्ते को बंद कर रही है। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि परमानेंट सोल्यूशन आप फ्लाईओवर बनाइए, जब तक फ्लाईओवर नहीं बना लेते हैं तब तक आप जो अंडरपास का रास्ता हमारा चल रहा है इसको बेहतर ढंग से बना करके सुचारू रूप से चलाने का काम करें ताकि आवागमन बाधित न हो। धन्यवाद ग्राम प्रधान जी हीरालाल पन्नालाल जी और जो विस्थापित गांव के लोग हैं। ऐसा एक्चुअली हम लोगों ने देखा कि जो भी गांव में जो समस्या है ये जायज है और हम लोग ने रेलवे के साथ में बात करेंगे और इनके जो प्रॉब्लम है वो समस्या का समाधान करने का। हम लोग समाजवादी छात्र सभा के पैनल के तहत हम लोग आदरणीय DRM साहब को हमने अवगत कराया कि यहाँ पर विश्वविद्यालय और यहाँ पर इलाज के लिए दूर दराज लोग लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज लोग जाते हैं और उनके लिए एकमात्र त्रिवेणी और गाड़ियां चलती थी। कुछ महीने पहले कोरोना काल के वजह से बंद था, फिर उसके बाद दोहरीकरण और रेलवे स्टेशन का निर्माण को लेकर इन्होंने वजह बताई कि अभी तक काम चल रहा है तो आप ट्रेनें नहीं चल पा रही है। मेरा बस यही मानना है कि इनकी माल गाड़ियां चल रही हैं तो क्या इंटरसिटी नहीं चल सकता है क्या, या क्या त्रिवेणी नहीं चल सकती है क्या? तो हमने अपने निश्चित रूप से हमने मांग किया है पत्र के माध्यम से कि छात्र नौजवान और यहाँ का इलाज के लिए बहुत परेशान है, तो हमने विनम्रता निवेदन किया है माननीय जी हम लोग के बीच ये इंटरसिटी और त्रिवेणी की संचालन जैसे सुचारू रूप से चलता था वैसे चलाया जाए, हम लोग उनके सदा आभारी रहे। सुल्तानपुर में वाहन लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लूट में संलिप्त चार लोगों को अवैध असलहों के साथ गिरफ्तार करते हुए लूटी हुई कार को बरामद किया है। पुलिस ने नकराही गेट के पास से लूट की गई कार के साथ गिरफ्तार एक पिस्तल और तमंचे के साथ में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ये
ये थाना कोतवाली देहात में एक 392 का मुकदमा लिखा गया था 6 दिसंबर को। लखनऊ में पॉलिटेक्निक के पास से गाड़ी बुक कराया गया और उस गाड़ी के ड्राइवर को, जो कि अयोध्या का रहने वाला था, उसको आगे हनुमानगंज चौराहे के पास उसे मार उसको फेंक दिए थे सर, गाड़ी से उतार के और डरा धमका के फेंक दिए। उसके बाद गाड़ी लेके वो अभियुक्त चले गए थे, मोबाइल भी छीन लिए थे। मोबाइल और उसके सर्विलांस से और कोतवाली देहात की टीम, दोनों टीम लगी रही इसमें, स्वाट टीम, और इनके द्वारा एक सक्सेस ये मिला है कि ये इसमें जो अभियुक्त थे उन मोबाइल चलाए थे और वो मोबाइल के कारण उनका लोकेशन पता चल गया। और जब ये पकड़े गए तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार भी किया है। इनके साथ इस जो नंबर प्लेट जो ओरिजिनल थी वो चेंज कर दिए थे और पहला वाला नंबर प्लेट तोड़ के उसी की डिग्गी में डाले हुए थे, वो भी बरामद हुआ है। गाड़ी जो स्विफ्ट डिजायर थी वो मिली है इसके, और इनके पास से असलहे बरामद हुए हैं दोनों के पास, एक तमंचा एक पिस्टल। और ये एक अच्छा कार्य है कि खुलासा हुआ और इस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी करके आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोई इसमें सरकारी कर्मचारी का एक है इसमें कोई इसमें वही सीतापुर में ई रिक्शा चालकों पर जिला प्रशासन ने रोक लगाई है। इसी को लेकर रिक्शा चालक अपनी समस्याओं को लेकर आरएमपी इंटर कॉलेज के सामने ग्रास फार्म में इकट्ठा हुए। पीड़ित चालकों ने संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक उपेंद्र सिंह सिद्धू, किसान मंच प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश सिंह, सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरुपाल सिंह के संपर्क में उन पर अपनी समस्या उन्हें बताई। आपसी विचार विमर्श के बाद मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन से बात की गई, जिसमें कई निर्णय लिए गए। ई रिक्शा चालकों ने अपनों के बीच एक संगठन स्थापित करने, विशेष परिस्थितियों के अलावा 4 से अधिक सवारी न बिठाने, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के रिक्शा न चलाने, शहर के चौराहों पर बेमतलब इकट्ठा होकर जाम न लगाने के साथ साथ सवारियों के लिए आपस में प्रतिद्वंद्विता से बचने की बात कही। सोनभद्र के कोतवाली रॉबर्ट्सगंज जनपद बीते दिनों बिरौला मंदिर में हुए लूट का खुलासा कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक सोनभद्र ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कोतवाली रॉबर्ट्सगंज पुलिस एसओजी सर्विलांस टीम जनपद के सहयोग से लूट का खुलासा किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी और लूट में हुई मोटरसाइकिल और लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि 2 शातिर लुटेरों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।